कौन ले रहा है? ले रहा हूँ वीडियो। ठीक है, आप फोटो लेते रहिए। फोटो मैं नहीं ले रहा। हमारे को प्रोड्यूसर हैं नितिन चतुर्वेदी जी, सर जयंत पांडे जी, और दो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं को प्रोड्यूसर, वो अभी दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो हैं हमारे साथ में ही और हमेशा साथ में रहेंगे। हैं जो एक नाम और है तुषार वर्मा जी और जय सिंह सोलंकी जी, ये हमारी पूरी टीम है और हम लोग कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर करने की और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी इसको आगे सराहेंगे और जितना अच्छा आप लोग दिखाएंगे उतना अच्छा वो दिखने वाली भी है। थैंक यू शेख, शुक्रिया, धन्यवाद। चतुर्वेदी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको वाकई में बिजली विभाग के बिजली विभाग किया समय इसी से मेरा सब अपना बिजनेस है। पिछले 40 साल से मैं इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। अरे वाह। और उसके बाद उसी सिलसिले में मेरे को ये मालूम है जो एक लाइनमैन होता है वो बिल्कुल बैकबोन होता है, सब इस डिपार्टमेंट का बैकबोन है। प्रॉब्लम फाइनली आप कहीं भी होगी कुछ भी होगी फाइनली उसी के लेवल पे आती है, उसे सॉल्व उसी को करना होता है। और ये एक अकेले आदमी की स्टोरी नहीं है, ये उन सभी आदमियों के जितने लाइनमैन है जिनकी जो कि परमानेंटली डिसेबल हो गए या जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, ये सब उन सबका कोई एक ऑनर है उन सबके लिए कि वो आए लोगों को मालूम पड़े कि क्या वास्तविकता होती है। एक अकेले आदमी की स्टोरी नहीं है, लेकिन उन सबके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, तो एक लेकर के मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी में कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या उनका रोल है। जो आप लोग की लाइफ में जो आप लोग आराम से बैठे होते हैं, एसी का मजा ले रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी का रोल है तो एक लाइनमैन का रोल है। ये बस इसी को दिखाने के लिए जब संजीव जी से मुलाकात हुई और इनके साथ डिस्कशन हुआ तो ये समझ में आई बात जो है कि सब ये हम दोनों एक ही माइंड सेट था कि भाई इसके ऊपर आना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए जो एक छिपे हुए हैं जिनके बारे में कोई लोग जानते ही नहीं है कि लाइनमैन। हम लोग तो बस ये जानते हैं लाइनमैन आएगा प्लास से बिजली जोड़ के चला जाएगा, लेकिन एक्चुअली क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसका रोल है हम लोगों की जिंदगी में, उसका कितना इंपॉर्टेंस है। हजारों लोग, ये हजारों लोग हैं और सैकड़ों लोग जो जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं है, जो कि मर गए, खत्म हो गए, परमानेंटली डिसेबल हो गए, उनका कहीं कोई नाम नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो एटलीस्ट लोगों को मालूम पड़े कि वो लोग क्या है और किस तरह से, उसी को दिखाने का प्रयास है जो है आगे कोशिश कर रहे हैं संजीव जी के साथ। पांडे जी, आप क्या कहना चाहोगे? कभी बिजली गई थी आप बचपन में? बिल्कुल सर, अभी भी यहाँ बॉम्बे में नहीं है ओवरहेड लाइंस, मगर वहाँ पर ओवरहेड लाइंस हैं यूपी में, मैं भी यूपी को बिलोंग करता हूँ, लखनऊ को, और लाइनमैन बहुत ही लोली पेड एम्प्लॉय है बिजली विभाग का, मगर उसको 24 घंटे ऑन टोज रहता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले उसकी अप्रोच होती है वहाँ पर पहुँच के, क्या डिफेक्ट है, क्या फॉल्ट है, उसको रेक्टिफाई करने का। तो ये रियल लाइफ इंसिडेंट है, उसकी स्ट्रगल कैसी है लाइफ में वो पूरा, और उसकी वाहवाह भी होती है जब लाइट आती है तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि अब हम सब इन्जॉयमेंट इंटरटेनमेंट वगैरह सब कर सकेंगे। तो ये उसके ऊपर लाइफ है, हम लोग बहुत इसके बारे में फ्यूचर के बारे में बहुत ही फिल्म के बहुत ही पॉजिटिव हैं कि ये बड़ा अच्छा, एक तो मतलब ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी जैसे सोल्जर होते हैं वैसे ही लाइन मैन भी हैं, उनके लिए हम फिल्म डेडिकेट कर रहे हैं। थैंक यू। आप जी नमस्कार सभी को, सबसे पहले मैं संजीव सर को थैंक यू देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया। और बेसिकली मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो मैं एक लाइट मैन से स्टार्ट किया था आपके लाइन में, और आज मुझे एक ऐसा मौका मिला जो लाइन मैन का एक मुझे कास्टिंग करने का मौका मिला, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और ये जो स्टोरी है मेरे गाँव से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे गाँव में कभी बाँस, आप जानते होंगे कि बाँस और तार से वो कनेक्शन हुआ करता, तो रात में जब कट जाती तो रात को भी फ़ोन करते तो लाइन में आते थे जोड़ने के लिए। बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत अच्छा, हम एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे टीम के जरिए। ये कहाँ कहाँ पे शूट होने वाला है और कब जा रहे हैं आप शूट पे और क्या तैयारी है शूट की? और ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, गाँव जब जाते थे तो रामायण देखने के लिए जब लाइन चली जाती थी तो तमाम गालियां मुझे निकलती थी कि अरे इसी टाइम को लाइन जाना था। हाँ, बहुत तो, इतनी गालियां देते थे सच में, वो लिमिट क्रॉस कर देते थे, वो नहीं बोल सकते यहाँ, वो ऐसा होता था। और शक्तिमान के टाइम पे होता था एक्चुअली, रामायण के टाइम पे नहीं होता था, रामायण थोड़ा सा पहले हो गया था, शक्तिमान के टाइम पे होता था। अच्छा, इसका जो शूट है फिल्म का, ये हम लोग फतेहपुर सीकरी में करने वाले हैं, आगरा के पास, और बहुत अच्छी लोकेशन है और बहुत पॉपुलर भी है आगरा। आगरा का भी हम लोग शूट दिखाएंगे फिल्म के अंदर, आगरा को भी हम लोग फिल्माएंगे। और नहीं, सब्सिडी का देखिए, सब्सिडी तो अब योगी जी जब दे रहे हैं
तो हम लोग देखे पीछे नहीं हटेंगे, वो देंगे तो हम लेंगे। हाँ अब तो देखे बिहार झारखंड तो सही है आपको, हम लोग बिहार में शूट कर लेंगे। आप बोलिए अगर आपके ऐसे कोई जुगाड़ है तो हम लोग बिहार चलते हैं। अभी तो हम लोग एक्चुअली 10th से 10th फरवरी से प्लानिंग कर रहे हैं, 10 से 15 के बीच में। ऐसा मत बोले, योगी जी नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं भाई, हाँ यार बिहार को नहीं करते। योगी जी देखिए, योगी जी को मैं बहुत जो है बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, डेफिनेटली वी विल प्लान देयर। बट क्या है, योगी जी मेरे लिए बहुत ऊपर है, और योगी जी की सब्सिडी की वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे, हम लोग शूटिंग नहीं कर रहे। अभी भी मनिहार करके आया हूँ, और इससे पहले मैंने फिल्म स्टार्ट ख़त्म की थी दो अजनबी, वो तो हम लोगों ने इसी मंथ जो है लास्ट ईयर ख़त्म की थी, -4 में शूट किया था, आर्य बब्बर वगैरह सब लोग थे उसमें। तो अभी मैं हर स्टेट में शूटिंग करता हूँ ऐसा नहीं है, बट ये वहाँ की स्टोरी है ओरिजिनली, तो इसलिए हम लोग ये वहीं शूटिंग करेंगे। और जो स्पेशल ये वो वहाँ ये है कि जितनी लाइन्स हैं अभी ओपन लाइन्स हैं जिन्हें हम दिखा सकते हैं, कहीं ना कहीं इस फिल्म के जरिए से मैसेज भी जाएगा कि योगी जी तक की अभी जो ओपन लाइन्स हैं उन्हें भी अंडरग्राउंड कराया है। हाँ ये फरवरी में हम लोग करने वाले हैं, और 10 से 15 नहीं नहीं अरे सर क्या बात कर रहे, माइनस में सर अभी तो सर मैं आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, मान लो छोड़ के रहते हैं हम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे हमारे